दोस्तों नमस्कार, ओपन आईएस में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऑफिसर्स के पोस्ट पे टोटल 247 नंबर्स पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है, जिसके लिए वी बी टेक, एम बी ए, चार्टेड अकाउंटेंट, एम सी ए एंड अदर पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल है। दो टाइप का पोस्ट है, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड। फ्रेशर्स में इंजीनियर का पोस्ट है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 5 जून से स्टार्ट होती है और 30 जून उसका आखिरी दिन है। इंजीनियर में सबसे ज्यादा वैकेंसी मैकेनिकल की है, 93, उसके बाद इलेक्ट्रिकल 43 नंबर्स, सिविल 10 नंबर्स, केमिकल 7 नंबर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर 5 नंबर्स और इन सब की पे स्केल 50,000 से 1,60,000 है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। फर्दर एलिजिबिलिटी को एक्सपैंड करते हुए मैकेनिकल में मैकेनिकल एज वेल एज प्रोडक्शन इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के केस में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल के केस में कोर सिविल है, केमिकल का केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये सारे पोस्ट के बी बी टेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सब इंजीनियर्स वाले पोस्ट में फ्रेशर्स यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू जब उनका कंप्लीशन हो तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें, जब उनके पास फाइनल सर्टिफिकेट डिग्री की हो तो। फ्रेशर्स के बाद कुछ वैकेंसीज एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए भी है, उसको हम लोग देखते हैं। एक्सपीरियंस वाले कैटेगरी में सबसे पहला है सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिसकी पे स्केल है 60,000 से 1,80,000, टोटल वैकेंसीज 6, मैक्सिमम इज 21, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ही सीनियर ऑफिसर की एक और पोस्ट है जो प्रोजेक्ट्स के लिए है, जिसमें वैकेंसीज 6 है, पे स्केल एंड एक्सपीरियंस मैक्सिमम एज सेम है, बस वैकेंसीज 4 है। नॉन फ्यूल बिजनेस में सीनियर ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर जिसकी उम्र 29 और 32 ईयर्स है, उसकी टोटल पोस्ट है 12, बाकी साथ साथ 4 ईयर का बी बी टेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये तो होना ही चाहिए, प्लस एम बी ए भी इसको होना चाहिए, इसमें सेल्स मार्केटिंग एंड ऑपरेशन का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस 2 to 5 ईयर्स। सीनियर मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस में टोटल 2 पोस्ट है, जिसकी मैक्सिमम एज 38 ईयर्स और 11 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी के लिए एम बी ए, सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशन के साथ साथ इंजीनियरिंग। पेट्रोकेमिकल डिवीजन में मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सेल्स, आर एंड डी प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन, इसकी 2 पोस्ट है, इस टेक्निकल वाले में 34 ईयर्स एंड सेल्स आर एंड डी कमर्शलाइजेशन में 36 ईयर्स, 9 ईयर का एक्सपीरियंस हो। टेक्निकल के केस में 4 ईयर का बी बी टेक चाहिए, केमिकल पॉलीमर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में ही स्पेशलाइजेशन देख लीजिएगा। सेल्स आर एंड डी प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन में केमिकल का इंजीनियरिंग 4 ईयर का तो होना ही चाहिए, प्लस 2 ईयर्स का एम बी ए डिग्री। डिप्टी जनरल मैनेजर कैटलिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट, स्किल मैक्सिमम एज 45 ईयर्स, 1 सीट, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में बी बी टेक के साथ साथ 2 ईयर्स एम बी ए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए टोटल 29 वैकेंसीज है, मैक्सिमम 27 ईयर्स, पे स्केल वही जो फ्रेशर्स का है, जो इंजीनियर्स का पे स्केल है 50,000 to 1,60,000, इसमें सी ए होना चाहिए, आई सी ए आई जो इंस्टीट्यूट है उससे और उनका आर्टिकल सी पर मेंबरशिप ये कंप्लीट होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए 2 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर में, केमिस्ट्री के ये ऑनर्स पार्ट्स हैं, 30 ईयर्स टोटल एज है मैक्सिमम एंड 9 वैकेंसीज विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। कुछ वैकेंसीज फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे भी निकाली है, जिसमें आईएएस ऑफिसर टोटल 15 वैकेंसी, मैक्सिमम 29, 50 लाख पर एनम एंड एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, ये चाहिए इनको बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में, के साथ साथ एमसीए होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन का, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डेटा साइंस में किया हो। आईएएस सिक्योरिटी ऑफिसर में ही साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, जिसकी एक ही वैकेंसी है, 45 ईयर्स एज है, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35 लाख पर एनम है, सीटीसी, बीटेक की डिग्री कंप्यूटर साइंस में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी रखा गया है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये सब। लास्ट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, टोटल वैकेंसी है 10.2 लाख पर एनम, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, एमएससी केमिस्ट्री में 2 ईयर्स का फुल कोर्स होना चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ मिनिमम मार्क्स भी जरूरी है एलिजिबिलिटी के लिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में 50% इन सी ए फाइनल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ग्रुप ए एंड ग्रुप वन एंड ग्रुप टू बोथ में, बाकी के इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स के पोस्ट पे मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन फॉर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस, अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले hindustanpetroleum.com वेबसाइट पे जाएंगे एंड देन कैरियर टैब में, कैरियर टैब में जाने के बाद जॉब ओपनिंग्स ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे, उसमें रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2024-25 का को क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक हियर टू अप्लाई। क्लिक हियर अप्लाई करने के बाद सबसे पहले साइनअप करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ एंड देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट होगा
तो उसके बाद लॉगिन करके फर्दर डिटेल्स को फिल करके अप्लाई करना होगा। देखते हैं वेबसाइट में कैसा होता है। HPCL की वेबसाइट पे हम चले गए हैं। कैरियर्स में क्लिक करेंगे, जॉब ओपनिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। करते ही ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एक नया पेज ओपन होगा जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद कैप्चा डालेंगे और रजिस्टर कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करते हुए। रजिस्टर करते ही हमें ईमेल में एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, उसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ कैप्चा डालेंगे। साइन इन करते ही हमें जो भी इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी उसको करके एंड फाइनली सबमिट कर देंगे। उसके बाद पेमेंट कंप्लीट करके और फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये रखी गई है होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एग्जेम्पशन है, कोई फी नहीं लगेगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप में होंगे। फर्स्ट स्टेप इज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें मिनिमम क्वालिफाई करने के बाद ग्रुप टास्क जिसे डीडी कहा जाता है, उसमें क्वालिफाई करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू। सीबीटी का डिटेल्स, सीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे, पहला जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा टेक्निकल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन DI। टेक्निकल एप्टीट्यूड में जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उसके ब्रांच स्पेसिफिक सिलेबस होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज, डिसिप्लिन वाइज बनाया जाएगा, जिसका बेसिस CI होगा, मार्क्स ऑब्टेंड इन कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू या यू कैन टेक्निकल इंटरव्यूज, और वर्क एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाले केस में वर्क एक्सपीरियंस के भी मार्क्स और उनके वेटेज काउंट होंगे, और इन सब के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा एंड देन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द HPCL ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2024। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।